मॉर्निंग, वेलकम टू अन एकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एवी मेरा एक बार मुझे चेक करा दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। अगर एक टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन 100% आईसीटी के अंदर इससे रिलेटेड आता है और हमारे अच्छे खासे दो नंबर जो है वो इस वीडियो के बाद में पक्के हो जाते हैं। तो इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन में। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। सिंपल है ये क्वेश्चन, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट ये होता है कि कौन से बोथ होते हैं, राइट? इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी आने वाले वीडियो के अंदर, बट आज हम लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे रिलेटेड टू इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलिए जी, ऑल क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे सो दैट सारे के सारे हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो लाइव आ जाएं, नॉट जस्ट नेट के लिए बट किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो कंप्यूटर एक मस्ट टू डू टॉप आप लोगों का चैप्टर है, यूनिट है, जिसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करें। मेरा नाम अदिति है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होने वाली जितनी भी नेट डोमेन में क्लासेस हो रही हैं उन सभी क्लासेस को देख सकते हो अंडर वन प्लेस, राइट? आप लोगों को क्लास अगर अनलॉक करनी है तो आप यूज कर सकते हो ये रेफरल कोड जिसका नाम है अदिति 10। इससे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस होती है, जिनको हम लोग स्पेशल क्लासेस कहते हैं, वो भी अनलॉक हो जाती हैं, राइट? अनअकैडमी ऐप पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस भी होती है और स्पेशल क्लासेस बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इन्हें देख सकते हैं अपनी तैयारी में, आपके डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगी। हमारी स्पेशल क्लास तो 11 बजे होती है डेली। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है इस रेफरल कोड से। तो अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक दो तरह की ऑफरिंग्स है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो गया आप लोगों का, अनलिमिटेड एक्सेस हो गया, एक ही सब्सक्रिप्शन पर आप अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उन सभी एजुकेटर्स को देख सकते हो और अनलिमिटेड देख सकते हो। आपने मान लीजिए 6 महीने या 12 महीने का प्लान लिया है तो आप 12 महीने के लिए सभी एजुकेटर्स को देख सकते हो कितनी भी बार, राइट? उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, इसीलिए अनलिमिटेड एक्सेस। आपका वीकली टेस्ट होता है वहां पर, पूरा कोर्स होने के बाद में आप लोगों का क्विज और मेगा टेस्ट जो होते हैं वो भी वहीं पर कंडक्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर इन सब फीचर्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप लेना चाहते हैं, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस हो गया, राइट, आपको एक पर्सनल गाइड या फिर एक्सपर्ट अलॉट कर दिए जाते हैं जिनसे आप 24/7 ऑडियो कनेक्ट रह सकते हो। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं, आपका स्टडी प्लानर वो बन जाते हैं। आप लोगों को अगर अपने इंटरव्यू या अपने SOP से रिलेटेड कुछ काम करना है तो भी वो आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास में आती है यूजिंग दिस फी चार्ट। ऑफकोर्स आप अपना सब्सक्रिप्शन इंश्योर कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट अनअकैडमी की कि फीस एक तो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल होती है और साथ ही साथ आप लोगों को जो डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं उसी के साथ में EMI ऑप्शन भी प्रोवाइडेड होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों की जो फीस है वो 14,500 है 12 महीने की, तो ये 14,500 आपको पे करने हैं। सबसे पहले तो आप रेफरल कोड लगाएंगे अदिति 10 तो आपका ये फीस 13,000 के आसपास हो जाएगा और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, EMI कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है एक साथ 13,000 देना है, आप एक एक महीने करके भी इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक अफोर्डेबल प्राइस है, जो कि नॉट जस्ट वो सब लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं ये फीस, बट वो बच्चे भी जो पढ़ना चाहते हैं प्लस पे बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि एक महीने में शायद 1,000 निकालना आसान है कंपैरेटिवली पूरे के पूरे 14,000 या 13,000 एक साथ निकालना। तो उन स्टूडेंट्स का सोचते हुए भी अनअकैडमी ने ये EMI ऑप्शन जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाया है, राइट? ये आप लोगों का कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ ये आपके सारे के सारे बेनिफिट्स है जो प्लस और आइकॉनिक पर आपको मिलते हैं। पर्सनल कोच और पर्सनल कोच के बाद में ये सारे ऑफर्स आपको स्पेशली आइकॉनिक पर दिए जाते हैं। आइकॉनिक इंक्लूड्स प्लस एज वेल एज सम एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अपना सब्सक्रिप्शन आप इंश्योर कर सकते हो और अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, राइट? तो अगर आप लोगों ने अभी तक बैचेस को एनरोल नहीं किया है तो बैचेस को भी एनरोल कर सकते हैं आप सभी लोग। ये मेरा पूरा स्केड्यूल है, मैं कब कहाँ पर पढ़ाती हूँ। सुबह हमारी 8 बजे ICT क्लास होती है, देन आप लोगों की कंप्यूटर साइंस क्लास होती है डेली रात को 8 बजे, स्पेशल क्लास डेली होती है 11 बजे और साथ ही साथ आपका प्लस कोर्स चल रहा है इस वक्त, जैसे कि कल आप लोगों को मैंने कंप्लीट कोर्स पेपर 1 एंड पेपर 2 में कल मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो इस साल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया मैथमेटिकल रीजनिंग में यहाँ पर, और ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 के अंदर।
राइट, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। मॉनिटर बहुत होता है, अच्छा जी, और कोई? चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आप ही से सवाल जवाब के साथ में डिस्कस करना स्टार्ट करूंगी। है ना, आप ही लोगों से बात करके ही शुरुआत करूंगी आज की क्लास की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं पता हो कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है। बोलना और बताना बहुत ही आसान है। जिन भी चीज़ों से हम, यानी कि यूजर इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर से, उन सभी चीज़ों को हम कंप्यूटर डिवाइसेस बोलते हैं। उन कंप्यूटर डिवाइसेस में हमारे पास में दो तरीके की कंप्यूटर डिवाइसेस होती है। एक जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर को कोई कमांड दे रहे हैं, कोई भी डेटा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, राइट, यानी कि हमारी तरफ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है कंप्यूटर की तरफ, वो सारी चीज़ें इनपुट होती है। और जब कंप्यूटर कोई भी रिजल्ट निकाल के हमको देता है तो वो यूज करता है आप लोगों का आउटपुट डिवाइसेस। और कुछ भी नहीं है, आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कुल मिला के इस प्रोसेस से निकल के आते हैं। अगर आपको याद हो तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं आपको ये चीज़ समझाती आ रही हूँ। आप लोगों के जो इनपुट्स होते हैं वो किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, देते हैं। जो आप लोगों का CPU है, जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आप लोगों का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और आप लोगों का कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, इस डेटा पे, इस इनपुट डेटा पे प्रोसेसिंग लगाता है। और प्रोसेसिंग लगाने के बाद में फाइनली हम लोगों को क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। बट किस तरीके से हम इनपुट देते हैं वो सारी डिवाइसेस, और किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है, वो सारी की सारी डिवाइसेस हैं जो हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या है, तो कुल मिला के बात ऐसी है, बहुत ईजी सी, कि आपके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए जो भी सारी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में होती है। आज की क्लास में मैं आपको तीन चार्ट देने वाली हूँ। आज की क्लास का पहला चार्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 100% बनने वाले क्वेश्चंस में से एक है, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बनता है आजकल, आजकल बनता है कि कौन कौन से बोथ होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने पहले कभी मुझसे ICT पढ़ा है, या कभी आप सभी लोगों ने उससे पहले भी स्पेशल में या कभी प्लस पे आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो हमेशा ही मैंने आप लोगों को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने बोला है जो कि दोनों होती हैं। देखो बेसिकली ये डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा है कि ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गई, ये आप लोगों की इनपुट डिवाइसेस हो गई, और ये हो गई आप लोगों का कुछ कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों होती है, इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। आई होप कि वेन डायग्राम हम समझ पा रहे हैं, बहुत आसान सी बात होती है। बट एनीवेज देखो, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका जॉयस्टिक हो गया, आपका स्कैनर हो गया, आपका बारकोड रीडर हो गया, आप लोगों का ऑप्टिकल पेन हो गया, जैसे कि ये पेन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सब कुछ मैं कंप्यूटर को इनपुट देने में यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ इनपुट डिवाइसेस। वेयर इज आपके हेडफोन्स हो गए, जैसे आप लोग गाना सुनते हो, जिससे आप लोगों का हेडसेट हो गया, आप लोगों का स्क्रीन हो गया, आप लोगों का प्रिंटर हो गया, आप लोगों के स्पीकर्स हो गए, प्लॉटर हो गया, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, दो तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, वो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में पढ़ाऊंगी। पर कुल मिला के बात ऐसी कि सारी की सारी चीज़ों से जो भी प्रोसेसिंग CPU ने हमारे कंप्यूटर पे की है, वो सारी की सारी आप लोगों को एज अ इंफॉर्मेशन फॉर्म आप लोगों के सामने रिजल्ट निकाल के देता है, सॉल्यूशन आपको देता है किसी भी प्रोसेस का। तो ये किसके थ्रू हम देखते हैं, देखो अगर हम लोगों को मॉनिटर पे कोई डेटा दिख रहा है या मॉनिटर पे कोई आउटपुट आया है, तो ये मॉनिटर स्क्रीन हो गई, ये आप लोगों की आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर स्क्रीन केवल पूछूं तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। लेजर प्रिंटर्स हो गए, आप लोगों के स्पीकर, हेडफोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें आउटपुट दे रही है, कंप्यूटर के थ्रू हमारे पास में कोई ना कोई डेटा आ रहा है। अब मजेदार बात आती है कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं डिजिटल कैमरा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं पेन ड्राइव, अगर मैं आप लोगों से बोलूं CD या फिर DVD ड्राइव्स, अगर मैं आपसे बोलूं फैक्स मशीन, अगर आपसे पूछा जाए मॉडेम, आपसे पूछा जाए वेबकैम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों से वेबकैम और टच स्क्रीन पिछले सालों में भी पूछा जा चुका है, तो आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था जब फर्स्ट टाइम ICT पढ़ाई थी इसी चैनल पे, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूं, तो उस टाइम भी मैंने आपको
बोला था कि वेबकैम बोथ होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि नहीं नहीं मैम आपने गलत बताया है, ये तो इनपुट होता है, ये होता है, वो होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ, आपका वेब कैम भी और आपका टच स्क्रीन भी। देखो मैं अगर केवल आप लोगों को बोलूं ना मॉनिटर स्क्रीन है ना, तब हम क्या बोलेंगे कि आउटपुट डिवाइस होता है, बट अगर मैं आपको बोलूं टच स्क्रीन तो ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों की दोनों ही चीजें होती है, राइट। जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, आप इनपुट भी दे रहे हो टच स्क्रीन से और आपको आउटपुट भी मिल रहा है उसी टच स्क्रीन से, राइट। तो ये जो टच सेंसिटिव डिवाइसेज होती है सारी की सारी बोथ में आती है। आपका जो वेब कैम है, एक वेबकैम आपने अपने कंप्यूटर पे लगा रखा है और एक वेबकैम लगा रखा होगा जिस भी थर्ड पार्टी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आप दोनों के बीच में जब आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने स्काइप पे चैट कर रहे हो, तो आपके पास में वेबकैम लगा हुआ है, आपके वेब कैमरा से आपका इनपुट है जो एज एन आउटपुट दिख रहा है किसको, जिस भी थर्ड पार्टी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। कुल मिला के अगर मैं बात बोलूँ कि यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर हमारे दो कम्युनिकेटर्स बैठे हैं, ठीक है ना। अब ये मान लेते हैं कि ये बैठा है यूएसए के अंदर, और ये कौन है, ये बैठा है भैया इंडिया के अंदर। ये कौन है, ये है बॉब, और ये कौन है, ये है मान लीजिए एलिस, ठीक है जी। अब ये जो बॉब भैया है, बॉब भैया जो है यहाँ पर इनका वेब कैमरा लगा हुआ है, और बॉब भैया इस वेब कैमरा से चैट कर रहे हैं यूजिंग व्हाट, स्काइप का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा है ना, स्काइप, जहाँ पे इंटरव्यूज भी वगैरह होते हैं आप लोगों के, इस तरीके से है ना, एक तरीके से वीसी ही है। तो आपका जो स्काइप चैटिंग है वो चल रही है, बॉब जो है वो किससे बात कर रहा है, स्काइप का यूज करके एलिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है भाई, देखो बॉब के पास में भी स्काइप पर अकाउंट होना चाहिए और एलिस के पास में भी वेब आपके स्काइप का अकाउंट होना चाहिए। देन सेकेंड प्रीरिक्विजिट चीज क्या है, दोनों के पास में वेब कैमरा होना जरूरी है, तो इसके पास में भी वेब कैम होना चाहिए, इसके पास में भी वेब कैम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसका जो वेब कैमरा है वो इसके लिए एज एन इनपुट काम कर रहा है, तो जो बॉब अपनी स्क्रीन को देखकर बात बोल रहा है वो ये वाला वेब कैमरा एज एन इनपुट काम कर रहा है। क्यों, ये आपका सारा डेटा, बॉब का सारा डेटा इनपुट के तौर पर ले रहा है। अब ये भेज रहा है इस इनपुट डेटा को यूजिंग स्काइप किसके कंप्यूटर स्क्रीन पर, एलिस के कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप मुझे एक बात बताइए, एलिस के कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन दिखता है, एलिस दिखेगा कि बॉब दिखेगा, आप खुद सोच के बताइए कौन दिखता है। अरे भाई बॉब दिखता है ना, जब भी आप किसी से चैट करते हो, जैसे आपने कभी किसी को व्हाट्सएप कॉल किया या फेस टाइम किया, तो क्या हो रहा है वहां पर, आप अपने आप को तो छोटा सा देख रहे हो, मेन तो आप लोगों को कौन दिख रहा है, वो बंदा दिख रहा है ना जिसे बात कर रहे हो। तो ये क्या है बेसिकली, आपको इसका इनपुट दिख रहा है, और यहाँ पर ये वेबकैम कैसे दिख रहा है, एज एन आउटपुट आपको दिख रहा है। तो इसीलिए माना जाएगा कि ये कैसा होता है, ये बोथ में आता है। इनफैक्ट टच स्क्रीन भी आप लोगों का बोथ में आता है, ठीक है ना। एम्बेडेड कैमराज जो होते हैं आपके लैपटॉप्स में, आप लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर, वो सारे के सारे बोथ के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव जिसको आप फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, ये हो गया आप लोगों का डिजिटल कैमरा हो गया, फैक्स मशीन हो गई, ये सारी की सारी कैसी रहती है, आपकी बोथ डिवाइसेस में आती है, इंक्लूडिंग मोडेम। मोडेम मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करने का जिसका काम आता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे इस चीज को, बट अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये समझाया भी था कि मोडेम का काम क्या होता है। आपका कंप्यूटर तो मैम डिजिटल डिवाइस है भाई, ठीक है समझ में आ गया, यानी इसको तो सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझ में आती है, बट जो हमारे पास में सिग्नल्स आ रहे हैं है ना, जो हमारे पास में चाहे आपका इंटरनेट का सिग्नल आ रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल आ रहा हो, ये सारे सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में तो आते नहीं हैं, ये तो एनालॉग फॉर्म के अंदर आते हैं, वेव फॉर्मेट के अंदर आते हैं। 01 के फॉर्मेट के अंदर आएंगे तो डिस्पैच हो जाएगा सारा ये डेटा, हमारे पास कुछ पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही 01 के फॉर्मेट में है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर सको, इसलिए एनालॉग फॉर्म में करते हैं। तो ये एनालॉग फॉर्म के अंदर डेटा आया है, अब इस डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाना है, कंप्यूटर को तो एनालॉग समझ ही नहीं आता, मुझे तो भाई डिजिटल ही समझ में आता है, तो हम इन दोनों के बीच में एक मॉडेम लगा देते हैं जो क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और जब मैंने कोई भी डेटा प्रेजेंट करना है, किसी को बंदे को भेजना है ना, ऑफकोर्स यूजिंग इंटरनेट या फिर ऐसा कुछ, तो मैं क्या करूंगी, अब इस डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा को मेरा कंप्यूटर फिर से एनालॉग फॉर्म में भेजना पड़ेगा, तो मेरे कंप्यूटर को तो आता नहीं है, तो मेरे कंप्यूटर के बिहाफ पे फिर मॉडेम क्या कर देता है, इस डिजिटल डेटा को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, एनालॉग में। तो इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी दे रहा है, इसीलिए मॉडेम क्या है आप लोगों का, ये भी आपका बोथ डिवाइसेस में आता है। चलिए थोड़ा और बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं कि मैं क्या बोल रही हूं आप लोगों को, बट ये चार्ट भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने एक टर्म आप लोगों को सिखाई थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो अच्छी बात है, बट पेरिफेरल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अक्सर कंफ्यूजन जो है वो शायद इसी टर्म से निकलता है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोगों का कि पेरिफेरल क्या है। जैसे हमने याद किया ना, जिसका भी जो भी ऑल्टरनेटिव है
भाई जिसका कंप्यूटर में हो हर एक चीज और हर एक हार्डवेयर जिसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव है, उसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। तो आप लोगों के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी एक तरीके से पेरिफेरल ही होंगे, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो या स्टोरेज डिवाइसेस हो, है ना। अभी हम लोग इनपुट आउटपुट डिस्कस करें, देन हम स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस करेंगे और मेमोरी हायरार्की भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। फिलहाल के लिए देखते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर्स, ये सारे की सारी चीजें क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इनको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्योंकि ये है मजेदार डायग्राम। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जो मैंने इन डायग्राम आप लोगों को दिखाना है। देखो हुआ क्या है, हम जब भी किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी आईसीटी सिस्टम के अंदर बात करने की बात करते हैं, आईसीटी का मेन मोटो क्या था, पहली क्लास में भी सिखाया था क्या काम है आईसीटी का, कैसे पता लगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो सारी की सारी किस में आती है, आईसीटी यूनिट में आती है। अब अपने आप में सोच के देखो कि मैम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब दुनिया जहान की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो सारी की सारी इसके अंदर आएगी। तो बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा काम क्या है, हमको जो भी डेटा हमारे पास में उसको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने से पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई बात आई होगी, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन करने से पहले दिमाग में तो कोई बात आई होगी ना कि यार ये आइडिया है जो मुझे शेयर करना है। अब हमारे दिमाग से हमारे जो एक्चुएटर्स हैं, है ना, जो क्या करते हैं, जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे जो एक्चुएटर्स है जैसे हमारा हाथ हो गया, है ना, हमारी बात हो गई, हमारे कान हो गए, हमारी आंख हो गई, ये सारी की सारी जिनसे हम कोई भी चीज को सेंस करते हैं, ये जो हमारे सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स इनको हम लोग बोलते हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कोई ना कोई इनपुट देते हैं। दिया इनपुट किस फॉर्म में दे सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो कि आप लोगों ने कोई ना कोई हार्डवेयर यूज किया होगा एज एन इनपुट और एन आउटपुट डिवाइस। मान लीजिए आपने कीबोर्ड से इनपुट दे दिया, आपने माउस से इनपुट दे दिया, आप लोगों ने गेम पैड यूज कर लिया, जॉयस्टिक यूज कर ली, आप लोगों ने वीआर हेड माउंटेड डिस्प्ले यूज कर लिया, माइक्रोफोन यूज कर लिया, कोई भी चीज है जो आप लोगों ने यूज कर ली, फॉर एग्जाम्पल यूज करी, आपने यूज करने के बाद इसको क्या दिया, इनपुट दे दिया। अब इनपुट देने के बाद में क्या होगा, आप लोगों का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हार्डवेयर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसके बीच में एक लेयर हम लोगों ने पढ़ी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मॉनिटर है कौन है, कर्नल। कर्नल है जिसका सारा काम होता है कि इस इनपुट को किस तरीके तक सीपीयू से पहुंचाना है और सीपीयू इस पे क्या प्रोसेसिंग करेगा, वो भी सारा हेडेक किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। भाई हमको कोई मतलब नहीं, हमारे तो दिमाग में एक आइडिया आया एक्चुएटर्स के थ्रू, मैंने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया, इनपुट का क्या हुआ, ये सारा काम किसने संभाला, मेरे कर्नल ने संभाला, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है इन शॉर्ट आप मान लीजिए। अब फाइनली क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई, सारी चीजें होने के बाद में हुआ क्या, ये जो इनपुट है ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये आपके आउटपुट में कन्वर्ट होगा। ये बेसिकली पूरी तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन में बताने की कोशिश कर रही हूँ, यही बेस है आप लोगों के आज के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं जिनको हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं, ये उसी का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो ये एक अच्छा खासा एक्सपर्ट सिस्टम बन सकता है, बट हमारा काम सिर्फ इनपुट और आउटपुट समझना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज समझा रही हूँ। तो बेसिकली आप लोगों का हुआ क्या, आप लोगों ने जो भी इनपुट दिया, कर्नल ने उसको सीपीयू तक पहुंचाया, CPU ने उस पे प्रोसेसिंग करी और प्रोसेसिंग करते ही CPU ने क्या किया, इसको डेफिनेटली आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने का काम शुरू किया। इसके लिए सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स इसको जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स इसने यूज किए और कुल मिला के बात ऐसी है कि हमारा जो भी आउटपुट तैयार हो गया, उस आउटपुट को हमने किस तक पहुंचा दिया, हमारे ही यूजर तक पहुंचाया यूजिंग व्हाट, आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि स्क्रीन के थ्रू आ सकता है, वीआर माउंटेड डिस्प्ले जो है आप लोगों का, वीआर मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, अगर आप लोगों ने देखा तो आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फैशन में है, आपने डेफिनेटली देखा होगा इस तरीके से बड़े बड़े वीआर ग्लासेस आपको पहना दिए जाते हैं, सीट भी आजकल तो बना दी जाती है इन ऑर्डर टू फील हाइट, ठीक है ना, और वहां पर बिठा के आप लोग जो भी देखना चाहते हो, कोई स्केरी मूवी देखना चाहते हो, स्केरी स्कीन स्विंग्स देखना चाहते हो, या जो भी वर्चुअल रियलिटी, मतलब एक ऐसी रियलिटी आप लोगों को दिखाई जाती है जो है नहीं रियलिटी, जो वर्चुअली बनाई गई है, है ना, एक इल्यूजन बनाया गया है ना, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि एक पिक्चर की जैसा है, बट फायदा इसका क्या होता है कि मूवी तो हम लोगों को जो दिख रही है वो उसमें वो फील नहीं आएगा जो हम लोगों को शायद वो ग्लासेस पहन के आएगा। इट्स लाइक 3D में कोई मूवी देख रहे हो ना, 3D या 6D या 4D, इसमें कोई मूवी देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई इमेज देख रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी का एक तरीके से जो एप्लीकेशन है, है ना। डेफिनेटली आप लोगों ने यूज किया होगा, कभी ना कभी देखा होगा, आपके आसपास अगर कोई मॉल है तो डेफिनेटली एक वीआर सेंटर आज के जमाने में हर मॉल में होता है,
है ना, एक तरीके से बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए ही एक नई टेक्नोलॉजी जो आई है। तो बेसिकली ये सारा तरीके से आप लोग आउटपुट भी ले सकते हो, इनपुट भी ले सकते हो, स्पीकर हो गया, इस तरीके से सारी चीज़ें जो वापस किसको दी जाती है, यूज़र को दी जाती है। पर इसके बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, ये सारा काम कर रहा है कौन, आपका ही कंप्यूटर। आपके कर्नल ने क्या काम किया, किस तरीके से काम किया, आपने देखा होगा कि हम स्पीच रिकग्नाइजेशन भी करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा एलेक्सा। एलेक्सा क्या है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है। अभी जो मैं बोल रही थी वो वर्चुअल रियालिटी बोल रही थी, वर्चुअल असिस्टेंट। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं वर्चुअल असिस्टेंट इनपुट है कि आउटपुट है, एलेक्सा का एग्जांपल हमेशा दिमाग में रखना। एलेक्सा को क्या करते हैं, हम इनपुट भी देते हैं, जैसे मैंने उसको कोई कमांड दी, मैंने बोला कि एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक और प्ले दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, मैंने कोई भी सॉन्ग बोल दिया उसको, तो वो क्या करेगी, पहले तो स्पीच रिकग्नाइज करेगी, समझेगी कि अच्छा ये जो है मेरे को गाना बजाने बोल रहा है, और फिर क्या करेगी, गाना बजा देगी, आपको रिप्लाई करेगी, या तो अगर आपके पास में वो गाना नहीं है तो ऐसे बोलेगी कि गाना नहीं है, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, और इंटरनेट पे जाके वो गाना ढूंढेगी, गाना ढूंढ के वो गाना प्ले कर देगी। मतलब उसने इनपुट भी लिया और आपको आउटपुट भी दिया। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स में भी एम्बेडेड इनपुट आउटपुट सिस्टम्स होते हैं आप लोगों के। तो बेसिकली जैसे कि एलेक्सा हो गया, आपका सीरी हो गया, गूगल हो गया, आप तो है गूगल करके भी सारा काम कर लेते हो ना, तो सारी चीज़ें क्या है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की वर्चुअल असिस्टेंट कहलाती है। उसमें भी सेम काम है। तो ऐसा नहीं कि इनपुट आज के ज़माने में सिर्फ कीबोर्ड या माउस या स्कैनर तक लिमिटेड, ऐसा नहीं है। आजकल हर ही आप लोगों के कंप्यूटर डिवाइसेस में दोनों ही चीज़ें होती है, और आजकल तो जो ये एम्बेडेड सिस्टम्स आ गए ना, इसमें तो इतना फ़ायदा होता है कि अलग से इनपुट आउटपुट की ज़रूरत ही नहीं, दोनों मिक्स वाली चीज़ें लगी हुई होती है। जैसे अब अभी VR बताया, VIA बताया, है ना, इन सब के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स है जो आप लोगों के लगे हुए होते हैं। स्पीच रिकग्नाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं हमारी बात को। जैसे आपने कभी कोई नया फ़ोन लिया होगा जिसमें स्पीच रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर आपके पास में है, जैसे कि सीरी आपके पास में है या हे गूगल आपके पास में, तो आपने देखा होगा ना वो पहले आप लोगों से पूछता है कि भाई तुम कौन सी लैंग्वेज बोलोगे। वो क्यों पूछता है, है ना, आप स्पीच रिकग्नाइजेशन है तो भाई मैं जो भी बोलूँ उसको समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो क्या है, उसका IQ नहीं है, वो क्या है, वो भी एक कंप्यूटर मशीन है भाई, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके पास में पहले से उसकी बुद्धि में फिक्स करके उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसको भेजा है कि भाई तू पहले पूछ लियो कि तेरे को हिंदी में समझ में आती है बात कि इंग्लिश में समझ में आती है, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलेगा तो कुछ भी समझ लेगा। आपने उसे बोल दिया कि मुझे इंग्लिश बोलनी है तो अपने दिमाग में सेट कर लेगा कि अच्छा ये इंग्लिश के वर्ड बोलेगा। अगर कोई भी एम्बिगियस वर्ड या कोई भी कंफ्यूजिंग वर्ड आपने बोल दिया तो उसको समझ में नहीं आता, है ना। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने कभी सीरी यूज़ किया है तो आपको तो ये चीज़ पता ही होगी, बहुत सारी चीज़ों को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसके नॉलेज डोमेन में जो जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी को वो रिकग्नाइज कर सकता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो स्पीच रिकग्नाइजेशन से रिलेटेड है, जो भी इनपुट से ही रिलेटेड है। तो इनपुट अगर आप देना चाहते हो अलग अलग वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में, तो आप लोगों को भी एक सेट पैटर्न ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसका IQ नहीं है, इसके पास में IQ नहीं है, ये तो प्रोग्राम्स है, इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, चलाने वाला कौन है, चलाने वाला भाई यही ब्रेन है, इसने ही तमीज़ से इनपुट देगा तो तमीज़ से आउटपुट आ जाएगा, अगर बदतमीजी से इनपुट दिया तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, गार्बेज वैल्यू आएगी आप लोगों की। तो ये पूरा सिनेरियो होता है गाइस। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा क्लीन करके, थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियरली दिख रहा हो, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ फोकस करवाना चाहती हूँ। ये जो टर्म लिखी है मैंने CPU, सब लोग जानते हो CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक और टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है जिसका मतलब है GPU। GPU क्या होती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपका सिस्टम जो है अब ये GUI बेस्ड हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड हो गया, आपके पूरे के पूरे सिस्टम में सब कुछ आपको ग्राफिक्स की फॉर्म्स में दिखता है। जैसे आज ये PPT मैं आपके लिए कैसे बना पा रही हूँ, भाई ग्राफिक्स है मैम दिखा रहे हो आप, इमेज है ये है। जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या किया, इसको थोड़ा जूम करना चाहती थी पर्टिकुलर पार्ट को, ये भी तो एक तरह तरीके की टेक्नोलॉजी है ना, हमारे पास में कौन सी होती थी ये, पर है, है ना। आपने देखा होगा कि टच स्क्रीन फोन्स के अंदर, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ़ यू यूज़ एप्पल फोन, तो आपको पता होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करके उस पर लिखी हुई किसी टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये सारी चीज़ें किसमें हैं, ये ग्राफिक्स का पार्ट है भाई। अब आपके पास में सिर्फ CPU से काम नहीं चलता है, CPU के साथ में उसका छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है GPU। CPU के पास में पहले से बहुत काम है, ठीक है, उसको उसके पास इतना टाइम नहीं है कि यार मैं ये वाला काम भी संभालूँ क्या, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड स्पेशली,
चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी सारी प्रोसेसिंग है ना उसको करने के लिए इसने एक नई ब्रांच खोल दी अपनी। अपने छोटे भाई को बोल दिया कि भाई तू संभाल ले, मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, मेरे को रैम से भी बात करनी होती है, तो तू जो है तू संभाल ले ग्राफिक्स वाला पार्ट। तो ये होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU, अलग से होता है मदरबोर्ड पे आपके CPU, और CPU के साथ में होता है GPU भी। इसकी भी स्पीड आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है ना, इसकी भी स्पीड आप लोगों से पूछी जा सकती है, CPU की या फिर आप लोगों की GPU की। इनकी आप लोगों से स्पीड 2021 के पेपर में पूछी गई है ICT में, UGC नेट एग्जाम में। किसमें मेजर की जाती है, तो किसमें मेजर की जाती है, फ्रीक्वेंसी में मेजर की जाती है, हर्ट्स में मेजर की जाती है। GPU का भी सेम आएगा, हर्ट्स में ही मेजर की जाती है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या गिवन है, किलो हर्ट्स गिवन है, मेगा हर्ट्स गिवन है, गीगा हर्ट्स गिवन है, टेरा हर्ट्स गिवन है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में देखना होगा। बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्स होती है। ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपने एग्जाम, ठीक है जी। चलो जी, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। ये सारा का सारा आप लोगों का क्या है, इनपुट डिवाइसेस भी देख लिए, वेबकैम यहां भी आएगा, वेबकैम वहां पर भी आएगा, ये सारे के सारे बारकोड रीडर फलाना ढिमकाना सब कुछ इसी में आता है ना। ये सारे के सारे आप लोगों के क्या बताए मैंने अभी आपको, इनपुट डिवाइसेस बताए, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक किसी को? आई डोंट सी एनी डाउट, अभी तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ऐसे मजा नहीं आया गाइस, तो वीडियो को शेयर नहीं करोगे आप लोग तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि यार मजा आया, ठीक है। आपके लिए अगर कुछ नया कंटेंट, कुछ मेहनत वाला कंटेंट बन रहा है तो शेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। तो वीडियो का शेयर सभी लोग करेंगे और लाइक भी सभी लोग करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ओके। चलो जी, तो आप लोगों का स्कैनर हो गया, आप लोगों का टच स्क्रीन हो गया, वेबकैम, माइक्रोफोन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, है ना, माइक जिसको आप बोलते हो, ट्रैक बॉल हो गया आप लोगों का, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे सारे आपके इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है ना। तो सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए, ये स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। देन आप लोगों का आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, और वो है आप लोगों की पॉइंटिंग डिवाइसेस, क्योंकि इससे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस में ही एक और टर्म आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। तो आप लोगों को चार ऑप्शंस दे देता है और आप लोगों से पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है पॉइंटिंग डिवाइस की, पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जो किसी भी एक पोजिशन को किसी भी एक स्पेस के अंदर यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिकेशन पर्पज। कुल मिला के बात क्या बोलना चाहती हूँ, मान लीजिए कि आपका इनपुट जो है वो डायरेक्ट हो सकता है या वो इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट जैसे कि मैम स्पीच से दे रहे हो, इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मतलब माउस से दे रहे हो, क्लियर डिफरेंस। तो आपका इनपुट या तो डायरेक्टली दोगे या इनडायरेक्टली दोगे। अब जब आपने डायरेक्ट इनपुट दिया है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, डिस्प्ले स्पेस के साथ पे इंटरेक्ट करोगे, जैसे माउस से करते हैं ना, या फिर आप लोगों का ये जो पेन है ये मैं यूज कर रही हूँ, है ना, या फिर आप लोग कर्सर का जो जब यूज कर रहे हैं तो आपने क्या किया है, डिस्प्ले स्क्रीन के साथ में बातचीत करी है। अब जब डिस्प्ले स्क्रीन के साथ में आपने बातचीत करी होगी तो आपको डेफिनेटली कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखता है हमेशा, जैसे यूजुअली तो इस तरीके का होता है ना, यूजुअली तो इस तरीके का होता है। फिर आप कंट्रोल पैनल में जाके इसको चेंज भी कर देते थे बचपन में, याद है, हाथ आ जाता था इस तरीके से, एक हाथ भी आता है, है ना, एक्चुअली में माउस आ जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें अलग अलग है ना, वो भी ग्राफिक्स है, अलग अलग ग्राफिक्स आ गए। बट कुल मिला के बात ऐसी कि कर्सर है ये, है ना, क्या है, कर्सर। तो ये जो कर्सर है ना आप लोगों का, जब भी इनपुट देते समय आपको ये कर्सर दिखे किसी भी फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में दिखे, या फिर अगर आपने ऐप की क्लासेस देखी है, इफ यू रिमेंबर, तो जब आप ऐप की अनअकैडमी ऐप की क्लासेस देखते हो, जब मैं आप लोगों को कोई भी चीज बताती हूँ या स्क्रीन पे कहीं भी कुछ अंडरलाइन करती हूँ, या कर्सर जो होता है वो इस तरीके से रेड डॉट होता है ना, आपको रेड कलर का डॉट बड़ा सा दिखता है, वो क्या है, वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लोगों का जब भी ये पॉइंटर, ये कर्सर अपीयर करता है ना इनपुट देते समय, तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाते हैं। अगर किसी इनपुट देते समय आपके पास में ये कर्सर या फिर ये पॉइंटर आए तो वो कैसा है, वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। चाहे टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेंस हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो सारी की सारी जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरीके से आप लोगों का एक्स वाई प्लेन के टर्म्स के अंदर पूरा डिस्प्ले स्क्रीन डिवाइडेड होता है, और यहाँ पर जो पॉइंटर है ना वो एग्जैक्टली हर एक एक्स और वाई पॉइंट के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। स्पीच में तो क्या हो रहा है कि आपने स्पीच दे दिया,
अब वो स्पीच रिकग्नाइजेशन अलग से सॉफ्टवेयर होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन के अंदर पोजिशन के बिहाफ पर आपका काम हो रहा है ना। तो जब माउस से आप काम करते हो या लाइट पेन से आप काम करते हो तो क्या हो रहा है, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन के अंदर बिल्कुल ऐसे इनपुट दे रहे हो वैसे काम हो रहा है। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ, सबसे बड़ा एग्जांपल तो इसका माउस ही है जो मैं अभी बता रही थी, लाइट पेन जिसका एग्जांपल दे दिया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सारे की सारी क्या है आप लोगों की पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, ठीक है ना। तो इन सबको आपने याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों का माइस यानी माउस को ही माइस, और आपके टच पैड्स जो होते हैं, ये जो होता है ना जैसे कि ये तो हो गया आप लोगों का माउस के नीचे जो लगता है पैड, और एक होता है आप लोगों के लैपटॉप्स में जो होता है ना कीबोर्ड के नीचे जो लगा हुआ होता है, राइट, जो बिल्कुल किसके जैसे काम करता है, माउस का। तो जरूरी नहीं ना कि लैपटॉप पे माउस अटैच करो, इट इज आल्सो एन अल्टरनेट, बट आपके पास में टच पैड होता है, ठीक है ना। अभी मैं कैसे दिखा नहीं सकती हूँ, वैसे दिखाती हूँ, चलो सारे वायर अगर गिर गए तो फिर पता नहीं चलेगा, आई होप दिख रहा होगा। तो ये कीबोर्ड होता है, और ये कीबोर्ड के बाद में ये जो चीज होती है ना, ये वाली चीज है ना जिससे आप लोग ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हो, ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें क्या होती है, ये टच पैड होती है, ठीक है। और आपको टच पैड दिखाने के चक्कर में सारे वायर फिर से टूट गए, चलो कोई नहीं, टच पैड तो देख लिया ना। आपके पास में अगर लैपटॉप होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की क्या है, ये सब कुछ पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आती है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया एग्जांपल दे रही हूँ, पुराने तो आपने पढ़े होंगे, गेम कंट्रोलर हो गया, गेम पैड हो गया, पैडल हो गया, जॉय डायल हो, शटल हो गया आपका, है ना, और वाईफाई का रिमोट हो गया। ये एक तरीके से एक ऐसा रिमोट है जो वाईफाई स्कीम पे चलता है, ठीक है। आपके सीसीटीवी कैमरास का जो रिमोट है, ये सब कुछ क्या है, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे देखो कुछ ऐसे डिवाइसेस हो गए हैं आप लोगों के जो इनपुट में ही आते हैं, एक तो होते हैं आपके वीडियो, एक होते हैं आपके ऑडियो, जैसे कि ये देखो इमेजिंग हो गया आप लोगों का, ये क्या है, ये एक तरीके से सीसीटीवी कैमरा जो होता है ना उसी का बड़ा भाई मान लीजिए आप। तो इसको बोलते क्या है, देखो अगर हम बात करें ना, तो ये जो आप लोगों की डिजिटाइजिंग इमेजेस है, इसको कैप्चर करने के लिए आप लोगों के पास में होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आज के जमाने में जो स्पीकर्स आते हैं, है ना, स्पीकर्स में होता क्या है, इनपुट भी ले लेते हैं वो और आउटपुट भी देते हैं, उनके साथ में इस तरीके से आप लोगों के पास में एक नॉब लगी हुई होती है जिससे वो इनपुट भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास में कोई वर्चुअल असिस्टेंट स्पीकर है, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें इनपुट देते हैं, फिर वो गाना बजाता है ना, तो बोल के इनपुट लेने वाले डिवाइसेज हो गए, या फिर इस तरीके से आप लोगों का इमेजिंग डिवाइसेज हो गए, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हो गए, जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है आप लोगों की, ये सारी चीज़ें भी आपकी इनपुट डिवाइसेस में ही आती है। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है, ये कनेक्ट सेंसर है, माइक्रोसॉफ्ट का कनेक्ट सेंसर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड और माउस इस तक ही सीमित रहना है, एग्जाम में हर बार कुछ नया कुछ बेहतर आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ नया ही पूछेगा, भाई आज के जमाने में क्या चल रहा है, तो आज के जमाने में भाई यही चल रहा है, कीबोर्ड माउस नहीं चल रहा है, वो बीते जमाने की बातें हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, बारकोड स्कैनर, है ना, लेजर, आप लोगों का जो रेंज फिंगर होता है, जैसे आप लोगों ने सभी ने अपना वो काम तो किया होगा मैम, अगर ऑप्शन में इनपुट डिवाइसेस और पॉइंटिंग डिवाइसेस दोनों आ जाए तो क्या चूज करना होगा टच पैड एक्सेट्रा के लिए, ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी मैंने पढ़ा नहीं है, काफ़ी ICT क्वेश्चंस देखे हैं पर ये क्वेश्चन ऐसा कभी मैंने पढ़ा नहीं है, बट अगर आ भी जाता है तो आप इसको इनपुट डिवाइसेस में लगा के आ जाना, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी आएगा, ठीक है। अगर वो पूछेगा तो वो सीधा सीधा ही पूछेगा, या तो पॉइंटिंग, सबको पता है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट ही होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कभी बन सकता है। AC का रिमोट, ये भी इनपुट होगा, हाँ रिमोट, सारे रिमोट क्यों इनपुट दे रहे हो ना रिमोट से, रिमोट आउटपुट नहीं करता कभी भी, रिमोट से हर चीज का इनपुट ही देते हो, टीवी चैनल चेंज करते हो रिमोट का यूज करके, तो रिमोट पे कुछ बटन दबाया तब जाके चैनल चेंज हुआ ना, इनपुट दिया तो कुछ काम हुआ, ठीक है, तो वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे मैं क्या समझा रही थी, हाँ आधार कार्ड बनाने तो सभी लोग गए होंगे, या फिर आधार से नंबर लिंक करवाने सभी लोग गए होंगे, मोदी जी का फेवरेट काम है ना, आधार को लिंक, तो इन शॉर्ट सभी लोग गए होंगे, है ना। अभी मुझे याद है अभी थोड़ा रिसेंटली भी कुछ काम आया था आधार का, तो मैं गई थी वहां पर। अब क्या होता है वहां पर,
बाय चांस आ जाए तो ये क्वेश्चन, तो भैया पॉइंटिंग डिवाइस लगाया ना, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस जो है ये लो भाई, ये इनपुट डिवाइसेज है और ये आपका पॉइंटिंग डिवाइसेज है, ठीक है जी। अब ठीक है तो लगाया ना। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, जैसे आज के जमाने में क्या हो गया, पहले तो जैसे फिंगर आप लोगों का लेते ना, टच स्क्रीन फिंगर प्रिंट आप लोगों का लेते थे, या फिर और ज्यादा करो तो आपकी फोटो है ना। अब क्या हो गया है भाई, अब नए टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपका रेटिना स्कैन होता है, तो बिल्कुल जैसे कि वर्चुअल कैमरा मैं आपको बता रही थी, सॉरी वर्चुअल रियलिटी का जो आप लोगों को मैं ग्लासेस बता रही थी ना, जिसको पहन के एकदम 3D 4D 6D वाला फील देते, 16D तक का फील आ गया अब तो बिल्कुल ऐसा ही एक तरीके का कैमरा होता है जो क्या करता है, रेटिना स्कैन को स्टोर करता है। तो वहां पर उस स्कैनर में आपको देखना होता है और अपनी आईज जो है उनको बड़ा करना होता है, सो दैट आपका रेटिना इमेज जो है वो यहां तक पहुंच सके कंप्यूटर तक। तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीबोर्ड माउस स्कैनर ये इन तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, आपको नई नई चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे ऑप्शन में चार ऑप्शन देगा, बोलेगा बताओ कि इनमें से कौन कौन सा इनपुट है, तो अगर पता ही नहीं होगा कि क्या होता है तो क्या ही कर लेंगे फिर। तो इसीलिए बता रही हूँ, जैसे कि काइनेक्ट सेंसर, जैसे मैंने अभी आपको इमेज दिखाई, इससे पहले भी आप लोगों को एक इमेज दिखाई थी वाईफाई रिमोट की, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या होती है, ये भी इनपुट डिवाइसेस में आती है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है। आई गेज ट्रैकर भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ना आधार के लिए यूज होता है, तो आई गेज ट्रैकर भी होता है ये आपका, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा फायदा है इन डिवाइसेस का, इनपुट एंड आउटपुट बोथ। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की टोमोग्राफी हो गई है ना, रेजोनेंस इमेजिंग हो गई आप लोगों की, सबसे इजी एग्जांपल आप सब लोगों ने देखा होगा ईसीजी जब आपकी होती है, सबने देखा होगा ना कि किस तरीके से आपके पूरे हार्ट में जो भी आप लोगों का पल्स चल रहा है उसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ईसीजी में दिखता है ना, और क्या बोलते हैं उसका नाम भी होता है ना, एक इको इको है ना, इको का टेस्ट जो होता है आप लोगों का, ईसीजी और इको का टेस्ट, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। अब आप लोगों से कुछ फाइल फॉर्मेट्स भी पूछे जाते हैं, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट की टर्म में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपका MIDI जो होता है ना वो इनपुट के लिए यूज होता है और ये ऑडियो के लिए यूज होता है, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल या म्यूजिकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के जो है उनके लिए ये यूज होता है। माइक्रोफोन्स भी आप लोगों का इनपुट है। इसी के साथ साथ जितने सारे आउटपुट बताए आप लोगों को वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डिस्प्ले डिवाइसेस। तो दुनिया में जहां भी आपको डिस्प्ले डिवाइसेस दिखे वो सारे के सारे कैसे आउटपुट, टच स्क्रीन कैसा है, बोथ है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं टच स्क्रीन मॉनिटर क्या होगा, चलो बताओ टच स्क्रीन मॉनिटर अगर पूछ लूं तो टच स्क्रीन मॉनिटर क्या है, इनपुट है आउटपुट है ये है वो है क्या है। नेट के एग्जाम के सेंटर में भी रेटिना स्कैन होता है, अरे वो अलग है और वो अलग है, मैं आई गेज ट्रैकर की बात कर रही हूं, है ना। वो जो होता है वो तो अलग है, वो तो आपका बायोमेट्रिक चेकिंग हो रही है, वही कंप्लीट आपकी जो पूरी बायोमेट्रिक होती है, आपका रेटिना स्कैन हो गया, ठीक है, आप लोगों का फिंगरप्रिंट हो गया, वो तो आपकी बायोमेट्रिक्स में आता है, वही तो बात है ही, पर उसमें वो नहीं देते ना आपको वो ग्लासेस, वो ट्रैकर नहीं देते हैं, आई गेज ट्रैकर हो गया। क्या है जी, बोथ है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। केवल मॉनिटर लिखा होता तो क्या बोलती, आउटपुट, बट मैंने लिखा है टच स्क्रीन मॉनिटर तो क्या होगा, बोथ होगा, मतलब समझ गए, कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपके डिस्प्ले डिवाइसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो जब मैं मॉनिटर्स चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, CRT क्या होता है, LED क्या होता है, LCD क्या होता है, इससे पिछले साल भी आप लोगों के मजेदार क्वेश्चन आए थे, है ना। तो कभी भी जब भी आप लोगों को मैं कोई इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाती हूँ, है ना, या कोशिश ये करती हूँ कि हम कुछ यूनिक पढ़े, तो उसको नोट डाउन जरूर किया करो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप सबको पता होगा कि मेमोरी डिवाइसेस हम लोग पढ़ते हैं ICT के अंदर। अब जहां पे भी आपने ICT पढ़ा होगा मेमोरी डिवाइस 100% पढ़े होंगे, मेमोरी डिवाइसेस में मेमोरी हायर की भी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी, है ना, रैम रोम फलाना ढिमकाना सब पढ़ी होगी। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, सो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सपोर्ट इन द सेंस जब मैं बोलूँ नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लिया करो, ठीक है ना। वैसे मेरे को PDF से ज्यादा वो है नहीं, देखो आपको पता है मुझे PDF बिल्कुल पसंद नहीं है, बट जब मैं स्क्रीनशॉट लेने बोलूँ या नोट डाउन करने बोलूँ तो कॉपी की हेडलाइन में लिख लिया करो, क्योंकि पता नहीं क्या यू नो एक इंट्यूशन आता है शायद, जो भी है, मैं अगर बोल रही हूँ तो प्लीज लिख लिया करो। तो यही मेरा सपोर्ट है।
अब बात ऐसी है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि रैम हो गया या कैश मेमोरी हो गई। अक्सर जब मैं ये पढ़ाती हूँ, अब क्योंकि मेरा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करके आपको ये चीज़ पढ़ाती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ देने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मेरा ये कर्तव्य है। क्यों, आप क्या पेपर टू कंप्यूटर साइंस है तो आप ICT खराब नहीं पढ़ा सकते हो। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रैम और कैश मेमोरी मैंने पढ़ाई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि रैम और कैश मेमोरी में से एक तो होती है स्टैटिक रैम, एक को एस रैम बोलते हैं और एक को बोलते हैं डी रैम, डायनेमिक रैम, है ना। और दोनों में मैंने ये भी बताया था कि एक को फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है और दूसरे को ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है। और यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो आप लोगों के 2021 में आ गया। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे होंगे, यही बोलेंगे कि मैम इतना डीप में थोड़ी आता है, आप तो पेपर कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हो ICT में, आपने ये चीज़ बोली एग्जाम में आ गई। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जिद बहस नहीं करनी कि नहीं मैम इतना डीप में नहीं है। हम कोई नहीं होते हैं जज करने वाले कि एग्जाम कितना डीप बनेगा या कितना नहीं। जिस दिन आप एग्जामिनर बन जाओ इसके अंदर UGC नेट में, तब मुझे आगे बता देना कि नहीं इतना डीप नहीं बनेगा। हम नहीं जज कर सकते। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग में आया आपके पिछले साल, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने वाला क्वेश्चन, जो कि डीप क्वेश्चन है। तो मैं और आप बैठ के यहाँ जज नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक डीप में आएगा कौन सा टॉपिक डीप में नहीं आएगा। उन्होंने तो बस बोल दिया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उन्होंने तो बोल दिया मेमोरी डिवाइसेस, अब उसमें कितना पढ़ना है वो हमें जज करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमको समझ में आ रही है, ठीक है ना, जैसे इसमें क्या ही हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये रहा स्टैटिक रैम, क्या दिक्कत है भाई, एक एक्स्ट्रा ही तो पॉइंट लिखने का आ रहा है ना। तो इसलिए कभी भी रिफ्रेन नहीं करना है, दिस इज नथिंग बट नॉलेज पर्पस। कल 11 बजे वाले क्लास में भी मैंने आपको एक घंटा समझाई थी ये चीज। आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो, बढ़िया बात है, बट अगर आप MCQ ओरिएंटेड एग्जाम में आंसर ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे तब काम नहीं चलेगा। क्यों, MCQ का क्या लेवल रहेगा अगले साल, ये आप और मैं बैठ के जज नहीं कर सकते। तो इसीलिए नॉलेज ड्रिवन पढ़ाई करेंगे तो अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो जी, एनीवेज आगे मैंने आप लोगों को सारे फोटो दिखा देनी है। ये सब के सब आप लोगों के क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, है ना। वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन अगेन आ चुका है, दोनों ही बोथ है, प्रिंटर हो गया आपका, हेडफोन्स हो गया, मॉनिटर हो गया, अगर मेरा ये दूसरा प्रिंटर हो गया भाई, ठीक है, ये आप यूज़ करते हैं इंजेक्ट प्रिंटर्स, देन आप लोगों के स्पीकर्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके आउटपुट डिवाइसेस में आती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म पहले ही बता देती हूँ, प्लॉटर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेविगेशन सिस्टम, ऑटोमोटिव नेविगेशन सिस्टम जो होता है ना, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक कार्स में लगा हुआ होता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके अलावा आज की क्लास का जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन यही निकला है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेज है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज है और कौन कौन से आप लोगों के बोथ है। तो CDs, DVDs, टच स्क्रीन, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, मॉडेम, वेबकैम, ये सारे के सारे आपके बोथ होते हैं, तो इसको हमेशा ही याद रखना है, ठीक है जी। इस बार का पेपर टफ नहीं था, इस बार का पेपर उसी का सॉल्व होगा जिसको कॉन्सेप्ट आता है, टफ नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत खुश हूँ इस बार के पेपर से, क्योंकि हमारे हिसाब से तो जितना भी आया था ना, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था उससे कुछ भी ज़्यादा भार नहीं आया है। हाँ, डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स थे जो हमने नहीं पढ़े, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा था, ज्योमेट्री नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि NTA में आता है ये सारी चीज़ें। अब इस साल से उन्होंने इंक्लूड कर लिए तो कोई इशू नहीं, हम फिर से पढ़ लेंगे, इस बार पढ़ लेंगे, कल ही पढ़ा है अनअकैडमी प्लस पे हाइट एंड डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया। अगर मैं 100 क्वेश्चंस की बात करूं, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस की, तो 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके हो जाएंगे, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो 70 से 80 क्वेश्चन, हाँ बस उस क्वेश्चन में टॉपिक आपके फ्रेंडली है, बट तरीका क्वेश्चन पूछने का इस बार चेंज किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है ना, ऐसे तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है, अगर सोचो 100 में से 100 क्वेश्चन अप्रोचेबल दे दिए, या 100 में से 80 क्वेश्चन अप्रोचेबल दे दिए, तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। नेट और JRF उसी को मिलेगा जिसको भाई कुछ स्पेशल आता होगा, कुछ अलग आता होगा टॉपिक। मैंने भी आपको सैम्पलिंग पढ़ाया, और भी आपने सैम्पलिंग पढ़ा है, बट दो बच्चे जिन्होंने सैम्पलिंग टॉपिक पढ़ा है उनमें से एक का ही क्वेश्चन होगा, दूसरे का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस एक ने बेहतर समझा है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं पेपर वन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, हायर एजुकेशन छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगी आपको,
ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हायर एजुकेशन छोड़ के। पेपर टू में मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी, ठीक है गाइस। तो बस यही था आज का आपका सेशन, उम्मीद करती हूँ कि इनपुट आउटपुट में आज तक जो प्रॉब्लम्स थी अब वो नहीं करेंगे, हम गलतियां नहीं करेंगे। इसके अलावा पूरा कोर्स अगर आप मेरे साथ में अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हो, अनअकैडमी में पेपर वन और पेपर टू दोनों करना चाहते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। लक्ष्य बैच ऑलरेडी चल रहा है, जनवरी में इसी को कंटिन्यू करूंगी। इसी के साथ आपका जो भी पेपर टू है उसके भी नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कंटेंट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो रिपोर्ट कर दीजिएगा बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। स्पेशल क्लासेस आपकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, बहुत ही अच्छे ऑफर है आप लोगों के पास में, इन क्लासेस को ले सकते हो आप लोग। आपको एक फील पता लग जाता है कि अनअकैडमी पर पढ़ाने का क्या फील है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपके पास में आ जाती है। 11 बजे हमारी क्लास होगी। अगर आप नए बच्चे हो और क्लास नहीं खुल रही है, फ्री क्लास भी नहीं खुल रही है, तो रेफरल कोड लगा दीजिएगा अदिति 10, आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी। ओके गाइज, तो इसको आप लोग लाइव भी देख सकते हो, या फिर अगर आपके पास में उस समय कोई और क्लास है, बिजी हो, वर्किंग हो, तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है अनअकैडमी यूजीसी नेट इंग्लिश चैनल का, इसे आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन है जो हमारी टीम डालती है। ये है प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स, बेनिफिट्स, जो भी आप लोगों को लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है उसे लीजिए, और अपना लेट मत करिए तैयारी को। जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपका रिविजन होगा, ठीक है। ये आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर है आइकॉनिक का और प्लस का, ठीक है। सबसे बेनिफिशियल 12 महीने का ही ऑफर होता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी टाइम के लिए जुड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था मिनिमम 7 से 8 महीने की पढ़ाई आपको रिक्वायर्ड होती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। रेफरल कोड लगाने से डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाता है। ओके, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आज की क्लास की रही होगी, तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना, साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताना, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है, मेरा पैडागॉजी कैसा लगता है, कहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि आपका तो हो रहा है इंप्रूवमेंट, मेरा भी होना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बता दीजिए कि मैम ये कर दीजिए, या ये बेटर हो सकता है, या ये हो सकता है, जो भी आपकी एडवाइस है, मतलब मीनिंगफुल एडवाइस, वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही लर्निंग पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे आप लोगों से 11 बजे। रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में।